अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद सैयद मोहम्मद। चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदे स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बीपीएससी ट्राई 2.0 शिक्षक भर्ती से लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है भाषा अहर्ता शून्य को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि भाषा लैंग्वेज में जब से शून्य हुआ है काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हैं। आखिरकार एक नए नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से जारी की गई है। नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, लैंग्वेज वाले को खुशखबरी मिलने वाली है या फिर नहीं मिलेगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती, आपको पता है कि जो पिछले महीने एग्जाम लिया गया था टीआरई 2.0 का, तो उसमें अचानक से अतुल प्रसाद साहब का स्टेटमेंट आ गया था कि सभी बच्चे को, यानी कि जो भी एग्जाम देगा 1-5 वाले हों या फिर 6-8 वाले हों या फिर 9-10 वाले, सभी का लैंग्वेज में शून्य कर दिया गया था। उसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे, काफ़ी स्टूडेंट फेल भी हो गए। आखिरकार फिर से उनके लिए खुशखबरी निकल कर आई है। देखिए, मैं बगल में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, 8 तारीख पहला महीना 2024 को बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें बताया गया है कि आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट बहुत सारे बच्चों ने जो डाउनलोड किया तो उसमें उनका नंबर कम है। अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना। देखिए, अक्सर बच्चों ने जब डाउनलोड किया तो उनका नंबर बहुत ही कम आ रहा, तो इससे अब क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका लैंग्वेज में शून्य है, यानी कि आप एक नंबर या फिर दो नंबर से आपका कम है लैंग्वेज की वजह से, अब आप पास हो जाइएगा। ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कल ही नोटिफिकेशन जारी की गई थी। मुझे कल थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया बीसी की वजह से, बट आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ किस तरीके से आप पास हो जाइएगा। तो देखिए, आपको पता है कि 21,000 पदों पर बहाली निकाली जाएगी, यानी कि 21,000 पर सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। आपको पता है कि अतुल प्रसाद साहब ने बता दिया है, शिक्षा विभाग के जो के पाठक है उन्होंने नियुक्ति को लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है कि आप अपने अपने जिला का देख ले कहाँ पे किस तरीके से कौन से स्कूल में कितने पद खाली है, वहाँ पे आप बहाली कर दें। तो टोटल देख सकते हैं 21,000 पदों पर बहाली है। तो अगर आपका लैंग्वेज में एक नंबर या फिर आपका दो नंबर कम है तो आप समझ लीजिए कि आप पास है। ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब से बच्चों ने मार्कशीट जो डाउनलोड करना शुरू किया तो उसमें उनका क्या हो रहा है कि उनका काफ़ी नंबर कम है। तो आपको पता है कि उनके माइंड में बैठा हुआ था कि हमारा नंबर तो ज़्यादा होगा तो हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, बट ऐसा अब नहीं होने वाला। अब जो बच्चे लैंग्वेज में जो शून्य हुए थे उनको अब मौका मिलेगा, और मौका ये कब आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, 10 तारीख पहला महीना 2024 से लेकर 20 तारीख पहला महीना 2024 के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आपका एक नंबर या फिर दो नंबर लैंग्वेज की वजह से कम हो गया था तो आपको खुशखबरी मिल गई, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। कल ही ऑफिशियल लेटर जारी किया गया अतुल प्रसाद साहब की तरफ से, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए भाषा अहर्ता को लेकर जो कोई स्टेटमेंट आया या फिर नहीं आया या फिर भाषा को लेकर कोई खुशखबरी मिलेगी। तो आखिरकार आपके लिए खुशखबरी आ गई कि जितने बच्चे भी डाउनलोड कर रहे हैं सभी का काफ़ी कम नंबर है। तो कम नंबर के मतलब कि आपका अब नंबर आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो सीट है 21,000 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। तो अगर आपका एक नंबर कम है या फिर आपका दो नंबर कम है या फिर आपका तीन नंबर कम है तो आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि एक नंबर या फिर दो नंबर या फिर तीन नंबर वही बच्चे का कम है जिसका लैंग्वेज शून्य की वजह से। अगर बिहार सरकार या फिर अतुल प्रसाद चेयरमैन साहब अगर लैंग्वेज में शून्य नहीं करते तो आप पास हो जाती है, सभी को पता है, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की थी, बट अचानक से जब लैंग्वेज कर दिया तो कट ऑफ हाई चला गया, और कट ऑफ हाई की वजह से आपका एक नंबर या फिर दो नंबर या फिर तीन नंबर कम रह गया। तो अब क्या है कि अगर आपका एक नंबर कम था या फिर दो नंबर कम था या फिर आपका तीन नंबर कम था तो अब आपको मौका मिलेगा। ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि कल ही अपडेट शाम को ये अपडेट जारी की गई है, मार्कशीट बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं तो उनका बहुत ही कम नंबर है, यानी कि 80 की जगह पे 70, माइंड में वो बैठाए हुए थे कि हमारा 70 होना चाहिए तो उनका 60 आ रहा है। तो अगर आपका एक नंबर या फिर दो नंबर या फिर आपका तीन नंबर कम है तो आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। अब आपको पता है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी 10 तारीख पहला महीना 2024 से लेकर 20-1-2024 के बीच में, यानी कि 11 तारीख को भी आ सकती है, 15 को भी आ सकती है, 20 को भी आ सकती है,
बट ये है कि हर हाल में आएगी। जो भाषा अर्हता को लेके बच्चे परेशान थे, प्रोटेस्ट थे, जो अनुमान लगाए हुए थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि रिजल्ट को रद्द किया जाए, हमारा गलत हमारे साथ हुआ, बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ। बट बिहार सरकार ने आपको एक अपॉर्चुनिटी फिर दी है कि अगर आपका एक नंबर या फिर दो नंबर या फिर तीन नंबर लैंग्वेज की वजह से कम है तो आपको मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा जो फर्स्ट टीआरई वन में इतना ज़्यादा सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई थी, इस बार ज़्यादा जारी करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारा लैंग्वेज में शून्य करने की वजह से मैं फेल हो गया, इसीलिए बिहार सरकार का बड़ा एक्शन की वजह से बिहार सरकार ने एक्शन लिया और अब आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना अनिवार्य है। तो आपको ज़रूर आपको मार्कशीट डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ज़रूर मिला लेना एक मरतबा। अगर आपका भी एक नंबर या फिर दो नंबर मिल रहा कि कट ऑफ के हिसाब से कम आ रहा तो आपका सिलेक्शन है, आप 2024 में टीचर्स बन जाएंगे। जैसे ही कोई भी अपडेट निकल कर आती है, बीपीएससी टीआरई 2.0 सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर हो या फिर सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर हो या भाषा अर्हता को लेकर हो, मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि भाषा अर्हता को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान चल रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो आखिरकार उनके लिए खुशखबरी निकल कर आ गई बिहार सरकार की तरफ से। जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आती है, छोटी हो बड़ी हो, सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाएगी। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।